ये दो आंखें सिर्फ वही देख सकती हैं जो भौतिक है। तीसरी आंख भीतर की ओर देखने के लिए है, आपकी वासना, आपकी इच्छा। कभी बाहर नहीं थी, वो सिर्फ अंदर ही थी। वासना का अर्थ है कि वो आपके भीतर एक अपूर्णता की भावना और किसी चीज की चाह पैदा करती है। जब हम शिव कहते हैं, शिव शब्द तीसरी आंख का पर्याय बन गया है। तीसरी आंख, उसका ये मतलब है, ये दो आंखें बाहर देखने के लिए हैं। ये दो आंखें आपको अस्तित्व की भौतिकता दिखा सकती हैं। ये दो आंखें सिर्फ वही देख सकती हैं जो भौतिक है। तीसरी आंख भीतर की ओर देखने के लिए है, वो आपके माथे पर नहीं खुलने वाली। तीसरी आंख भीतर देखने वाली आंख है, लेकिन आपने कहानियां सुनी हैं। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। भारत में प्रेम और वासना के देवता देव हैं। काम का अर्थ है वासना, इसका आप सीधे सीधे सामना नहीं करना चाहते, इसलिए आप उसे प्रेम बना देते हैं, क्योंकि आपको उसमें कुछ सुंदरता चाहिए। तो वो एक पेड़ के पीछे छिपकर शिव के दिल पर तीर चलाते हैं। तीर होने लगता है और शिव थोड़ा परेशान हो जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि ये काम है, यानी उनकी अपनी वासना उभर रही है। फिर उन्होंने अपनी तीसरी आंख, उग्र आंख खोली और काम को जला दिया। वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, मगर वो भस्म हो गया। फिर शिव ने जले हुए काम की राख को अपने ऊपर लगा लिया कि मैंने इस चीज को सदा के लिए खत्म कर दिया है। ये लोगों को सुनाई जाने वाली आम कहानी है, मगर आप मुझे बताइए, आपकी वासना आपके अंदर उठती है या पेड़ के पीछे? नहीं, आप पेड़ के पीछे जा सकते हैं, ये दूसरी बात है, मगर वो उठती कहाँ है? आपके भीतर। आप बाहर नहीं मंडराती। ऐसा नहीं है कि एक सुंदर स्त्री या एक सुंदर पुरुष बैठा है तो आपकी इच्छा जागती है, क्योंकि इच्छा काम आपके भीतर है। इसलिए उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर अपने अंदर के काम को जला दिया, उसे नहीं जो बाहर खड़ा है, क्योंकि वो कभी भी बाहर नहीं खड़ा था। कृपया इस पर गौर कीजिए, आपकी वासना, आपकी इच्छा भी बाहर नहीं थी, वो सिर्फ अंदर थी। तो उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, इस तरह नहीं, अंदर की ओर। फिर उन्होंने इस वासना को देखा, जिसका दरअसल मतलब है कि आपके अंदर कुछ पहलू हैं जो आपको अधूरा महसूस कराते हैं। तो आप सोचते हैं कि आप किसी चीज का या किसी व्यक्ति के पीछे जाने पर ही पूरे होंगे। वासना सिर्फ विपरीत लिंग की बात नहीं है, शॉपिंग भी वासना है, क्योंकि आपको किसी चीज के पीछे जाना होगा तभी जीवन पूरा होगा। हर इच्छा वासना है, क्योंकि उसके बिना मेरा अस्तित्व नहीं हो सकता। मैं उसे चाहता हूं, क्योंकि जब मेरे पास वो होगा तभी ये पूरा होगा। वो कोई चीज हो सकती है, पद हो सकता है, ताकत हो सकती है, सेक्सुअलिटी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। वासना का अर्थ है कि वो आपके भीतर एक अपूर्णता की भावना और किसी चीज की चाह पैदा करती है, जिससे आपको लगता है अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अधूरे हैं। तो वो अपने अंदर के काम को जलाने का फैसला करते हैं। उन्होंने काम को जलाया और फिर पसीने की जगह उनके शरीर के छिद्रों से राख निकली। ये योगिक कथा है। आम लोगों को सुनाई जाने वाली कहानी ये है कि वो पेड़ के पीछे छिपा था और उन्होंने उसे जला दिया, अपनी तीसरी आंख खोलकर उसे जला दिया, फिर उस राख को लेकर अपने ऊपर लगा लिया। कहानी का योगिक आयाम ये है कि उनके भीतर काम जगा, उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, उसे जलाया और फिर धीरे धीरे राख उनके शरीर से निकलने लगी, जिसने उन्हें साफ साफ दिखाया कि सब कुछ खत्म हो गया। हर चीज जिसे आप खुद के रूप में जानते हैं उसे मरना चाहिए। जब मैं मृत्यु कहता हूं, भौतिक मृत्यु नहीं है जो समस्या है, सवाल है हर उस चीज को खोना जिसे आप अभी मैं के रूप में जानते हैं, आपकी शख्सियत, आपकी पहचान। एक बार आप शारीरिक और मानसिक ढांचे से परे एक व्यक्ति होना सीख लेते हैं, इसका अर्थ है कि आप मर चुके हैं। मृत्यु को जीने का यही मतलब है। तो अगर आप जानते हैं कि शारीरिक और मानसिक ढांचों के बिना एक व्यक्ति कैसे बने, तो आप मृत्यु को जीते हैं। अगर आप मृत्यु को जीते हैं तो आप अपने अस्तित्व में शाश्वत हैं। अब समय आ गया है कि आप मृत्यु को जिएं, ताकि आप अनंत काल तक जीवित रहें।